बच्चों, आज हम आपकी अपनी हिंदी पाठ्य पुस्तक एबी सरस्वती वंदन कक्षा 4 के 5वें अध्याय का पठन पाठन करने जा रहे हैं, जिसका शीर्षक है ईदगाह। बच्चों, इस पाठ के माध्यम से हम ये समझने जा रहे हैं कि बच्चों का जो मन होता है वो बहुत कोमल होता है, बहुत सॉफ्ट होता है, और साथ ही इस पाठ के माध्यम से ईद के महत्व को बताना है कि ईद का क्या महत्व होता है, और साथ ही इस पाठ का उद्देश्य यह भी है कि आपस में जो परिवार के सदस्य होते हैं उनके बीच में प्रेम और आदर का भाव होना अत्यंत आवश्यक है। तो चलिए बच्चों, पढ़ते हैं इस पाठ को। रमजान के इस महीने में पूरे 30 रोजों के बाद ईद आई है। वातावरण कितना मनोहर और खुशनुमा है। खेतों में कुछ अजीब रौनक है। आसमान पर कुछ अजीब लालिमा है। आज का सूर्य देखो कितना प्यारा, कितना चमकीला है, मानो संसार को ईद की बधाई दे रहा हो। गांव में कितनी हलचल है। ईदगाह जाने की तैयारियां हो रही हैं। बच्चे सबसे अधिक प्रसन्न हैं। सभी बच्चों की तरह हामिद भी बड़ा प्रसन्न है। वह 4-5 साल का दुबला पतला सा लड़का है, जिसके माता पिता का कुछ वर्ष पहले देहांत हो गया। हामिद अपनी बूढ़ी दादी अमीना की गोद में ही सोता है। अमीना का मन आज उदास है, ये सोचकर कि गांव के बच्चे अपने अपने पिता के साथ ईदगाह जा रहे हैं, लेकिन हामिद का बूढ़ी दादी अमीना के अलावा है ही कौन, उसे अकेले मेले में कैसे जाने दूं? उस भीड़ भाड़ में कहीं हामिद खो जाए तो क्या होगा? नन्ही सी जान है, 3 कोस पैदल कैसे चलेगा? पैरों में छाले पड़ जाएंगे, पर हामिद के उत्साह का क्या करूं? अधिक पैसे भी पास नहीं हैं। क्या कुछ करके वो कुल 3 पैसे हामिद को देने के लिए जुटा पाई। हामिद भीतर जाकर कहता है, तुम डरना नहीं अम्मा, मैं जल्दी ही आ जाऊंगा। गांव के अन्य बच्चों के साथ हामिद भी मेला देखने चल दिया। कभी सबके सब दौड़कर आगे निकल जाते, कभी किसी पेड़ के नीचे खड़े होकर साथ वालों की प्रतीक्षा करते। अचानक ईदगाह पर दृष्टि पड़ी। ऊपर इमली के घने वृक्षों की छाया है, नीचे पक्का फर्श है जिस पर बिछायत हो रही है। रोजेदारों की पंक्तियां एक के पीछे न जाने कहां तक चली गई हैं। यह दृश्य ऐसा लग रहा था मानो भ्रातृत्व भाव का एक सूत्र इन समस्त आत्माओं को एक लड़ी में पिरोए हो। सबने मिलकर एक साथ नमाज पढ़ी। लोग आपस में एक दूसरे से गले मिले। बूढ़े बच्चे सभी मग्न हैं। उधर दुकानों की कतारें लगी हैं। तरह तरह के खिलौने हैं। मिठाई और खिलौनों की दुकानों पर बच्चों ने धावा बोल दिया। महमूद सिपाही लेता है, मोहसिन किश्ती लेता है, अनवर मिट्टी का हाथी लेता है। सब खिलौने 2-2 पैसे के हैं। खिलौनों के बाद मिठाइयों की बारी आती है। किसी ने रेवड़ियां ली, किसी ने गुलाब जामुन, सभी मजे से खा रहे हैं।
वहीं पर लोहे की चीजों की भी दुकानें थी। वहां पर तरह तरह के चिमटे बिक रहे थे। हामिद लोहे की दुकान पर रुक जाता। उसे ख्याल आया, दादी के पास चिमटा नहीं है। रोटियां सेकते समय दादी का हाथ जल जाता है। अगर वह चिमटा दादी को ले जाकर दे दे तो वे कितनी खुश होंगी। फिर उनकी उंगलियां कभी न जलेंगी। खिलौनों से क्या फायदा, जरा देर की तो खुशी होती है, फिर तो कोई उनकी ओर आंख उठाकर भी नहीं देखता। कई तो घर पहुंचते पहुंचते ही टूट फूट कर बराबर हो जाएंगे। मन को समझाते हुए हामिद ने दुकानदार से पूछा, ये चिमटा कितने का है? दुकानदार ने 5 पैसे बताए। दाम सुनकर हामिद का दिल बैठ गया। हामिद ने धीरे से कहा, ठीक ठाक बताओ, 3 पैसों में दोगे? दुकानदार ने कहा, ठीक है ले लो। हामिद ने 3 पैसे देकर चिमटा खरीदा और चिमटा देखकर खुशी से ऐसे झूमने लगा जैसे मानो उसे कोई खजाना मिल गया हो। हामिद झूमता हुआ अपने घर पहुंच गया। अमीना उसकी आवाज सुनते ही दौड़ पड़ी और उसे गोद में लेकर प्यार करने लगी। सहसा हामिद के हाथ से चिमटा देखकर वह चौंक गई। यह चिमटा कहां से ले आया? मैंने खरीदा है। कितने पैसे में? 3 पैसे में। अमीना दादी बोली, दोपहर हो गई, न कुछ खाया न पिया, 3 ही पैसे थे, उनका भी चिमटा खरीद लाया। हामिद बोला, रोटियां सेकते समय आपकी उंगलियां तवे से जल जाती थी, इसलिए मैंने चिमटा खरीद लिया। दूसरों को खिलौने लेते और मिठाई खाते देखकर इसका मन कितना ललचाया होगा, लेकिन इसे वहां भी अपनी बूढ़ी दादी का इतना ध्यान रहा। यह सब सोचते हुए अमीना गदगद हो गई और हामिद के त्याग को देखकर उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। अमीना हामिद को गले से लगाते हुए दुआ देती है, हमेशा खुश रहो, दीर्घायु रहो। तो बच्चों, इस पाठ से हमें ये सीख मिलती है कि त्योहार खुशियों का स्रोत हैं। अर्थात जितने भी त्योहार आते हैं वो खुशियां लेकर आते हैं, यानी त्योहारों से ही खुशियों का आना संभव हो पाता है। तो हमें सभी त्योहार सदैव खुश होकर मनाने चाहिए। बच्चों, इस कहानी के कथाकार थे मुंशी प्रेमचंद। तो चलिए अब इस पाठ के शब्दार्थ को करते हैं। रौनक यानी चहल पहल, प्रसन्न खुश, दृष्टि नजर, ख्याल विचार, फायदा लाभ, गदगद खुश, शीतल ठंडा, प्रतीक्षा इंतजार, समस्त सारा, मगन लीन, दीर्घायु लंबी आयु, भ्रातृत्व भाईचारा। चलिए बच्चों, अब पाठ के अभ्यास कार्य को करते हैं। इस पाठ के अभ्यास कार्य की मौखिक श्रृंखला में सोचिए और बताइए के अंतर्गत पहला प्रश्न है, ईद के दिन कैसी चहल पहल थी? कैसी चहल पहल थी ईद के दिन? तो इसका उत्तर होगा, 30 रोजों के बाद ईद के कारण चहल पहल थी। और वो चहल पहल कैसी थी? बहुत ही खुशनुमा।
प्रसन्नता से भरी हुई, चारों ओर खुशियों की रौनक थी। अगला प्रश्न, अमीना कौन थी? तो इसका उत्तर होगा, अमीना हामिद की दादी थी। अगला प्रश्न, बच्चों ने क्या क्या खिलौने लिए? बच्चों ने सिपाही, किश्ती और मिट्टी का हाथी आदि खिलौने लिए। अगला प्रश्न है, हामिद ने मेले से क्या खरीदा? तो इसका उत्तर होगा, हामिद ने मेले से चिमटा खरीदा। लिखित पाठ ज्ञान की श्रृंखला में पहला प्रश्न है, किसने कहा? और इसका पहला वाक्य है, तुम डरना नहीं अम्मा, मैं जल्दी आ जाऊंगा। ये वाक्य किसने कहा था? हामिद ने। अगला वाक्य है, यह चिमटा कितने का है? किसने कहा? हामिद ने। ठीक है ले लो। किसने कहा? दुकानदार ने। यह चिमटा कहां से आया? किसने कहा? अमीना ने। आइए प्रश्न नंबर दो, दिए गए शब्दों की सहायता से खाली स्थान भरिए। पहला वाक्य है खाली स्थान का, गांव के अन्य बच्चों के साथ हामिद भी डैश देखने चल दिया। क्या देखने चल दिया? मेला। तो यहां क्या आएगा? मेला। अगला वाक्य, डैश की पंक्तियां एक के पीछे एक न जाने कहां तक चली गई हैं। तो इस वाक्य में क्या आएगा? रोजदारों की पंक्तियां एक के पीछे एक न जाने कहां तक चली गई हैं। अगला वाक्य, मिठाई और खिलौनों की दुकानों पर डैश बोल दिया। तो इस रिक्त स्थान में क्या आएगा? धावा। अगला वाक्य, हामिद के पास कुल डैश पैसे हैं। कितने पैसे थे हामिद के पास? 3। अगला सेंटेंस, डैश सेकते समय दादी का हाथ जल जाता है। क्या सेकते समय जल जाता है? यस, रोटियां। तो बच्चों, इस प्रकार हमने पाठ 5 के अभ्यास कार्य के प्रश्न 1 और 2 को हल किया है। शेष प्रश्नों को आप स्वयं हल करने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।